मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल प्रियंका किचन जोन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल वनीला आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे हम बनाएंगे घर पे बिल्कुल मार्केट स्टाइल, जैसे मार्केट में मिलती है वनीला आइसक्रीम, लेकिन वो आइसक्रीम बनती है फ्रेश क्रीम से। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल घर के सामान से वनीला आइसक्रीम कैसे बनाए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और क्रीमी हमारी वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में वनीला आइसक्रीम बनाइएगा। चलिए देख लेते हैं इस वनीला आइसक्रीम की रेसिपी को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए, इससे मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में डाल दिया है आधा लीटर दूध, और ये दूध मैंने फुल फैट मिल्क दूध यूज किया है। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑन करके इसको एक उबाल आने तक का वेट करेंगे। अगर आपके पास घर पे ही जो दूध है गाढ़ा है तो आप वही ले लीजिए, क्योंकि गाढ़े दूध से अच्छी आइसक्रीम बनती है। तो देख सकते हैं दूध बॉयल आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, गैस को धीमा कर दूंगी और धीमी आंच पे हम इसे 5 मिनट तक के लिए ऐसे छोड़ देंगे गाढ़ा होने के लिए। चलिए छोड़ देते हैं 5 मिनट तक के लिए इसको। 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट से दूध अच्छे से पक रहा था धीमी धीमी आंच पे, अब हल्का हल्का से गाढ़ा हो गया है। तो जब दूध इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा तब इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वनीला फ्लेवर आइसक्रीम, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने इसके 2 चम्मच ले लिए, बहुत नहीं लेना, बस 2 चम्मच बहुत है आधा लीटर दूध के लिए। अब डाल देंगे इसमें पानी ताकि एक अच्छा सा घोल बन जाए। तो इस तरह से इसका एक अच्छा सा घोल बना के तैयार कर लेते हैं, कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी दूध में, और आंच को हमें धीमा रखना है क्योंकि धीमी धीमी आंच पे हमें इसे पकाना है ताकि दूध के साथ में अच्छे से कस्टर्ड पक जाए। क्योंकि कस्टर्ड अगर अच्छे से नहीं पकेगा तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो इसको हम धीमी धीमी आँच पर 5 मिनट तक के लिए और पका लेते हैं। टोटल आइसक्रीम बनने में 15 से 20 मिनट का समय आराम से लग जाता है। तो 5 मिनट तक के लिए इसको छोड़ देते हैं तरह से चलाते हुए। 5 मिनट हो चुके हैं, दूध देख सकते हैं हल्का हल्का सा गाढ़ा होने लगा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ली है आधा कटोरी चीनी, ना आपके कहें तो 50 ग्राम चीनी है, आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक के लिए और चला लेंगे ताकि जो चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट चलाना है इसको और नहीं चलाना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, मैंने यहाँ पे गैस ऑफ कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद में हम इसमें एक फ्लेवर और ऐड करेंगे जिससे हमारी आइसक्रीम है और भी सॉफ्ट और फ्लफी बनेगी, और वो भी हमारे घर में आराम से मिल जाएगी, कोई भी मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। तो बस इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा आइसक्रीम का बैटर अच्छे से ठंडा हो गया है, और ठंडा होने पे आप देख सकते हैं कितना सिल्की स्मूथ है और कितने अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगी जिससे हमारी आइसक्रीम और ज्यादा मार्केट स्टाइल बनेगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है दूध की मलाई, ये वही पार्ट है जिसे हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 दिन की फ्रेश दूध की मलाई यूज की है, और मलाई डालने के बाद में मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी कस्टर्ड के साथ में, और बहुत ही फ्लफी आइसक्रीम बनती है। तो इसको जरूर ट्राई करिएगा, वैसे मार्केट में हम खाते हैं क्रीमी या क्रीमी आइसक्रीम, बिल्कुल वैसा इसका टेस्ट और टेक्सचर आएगा। तो मलाई डालने के बाद में अब मैं इसको जार में सेट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एयरटाइट जार, अब इसमें हम डाल देंगे इसको। अभी इसमें एक स्टेप करना और बाकी है तो वो मैं आपको आगे बता दूंगी। देखिए मैं यहाँ पे फॉइल पेपर लगा दिया है ताकि जितना भी आइस क्रिस्टल है वो हमारी आइसक्रीम के अंदर डायरेक्ट ना जाए, इसके ऊपर ही रहे। अब इसको लिड लगा के 3 से 4 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से आइसक्रीम सेट हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे बाद चलिए चेक कर लेते हैं आइसक्रीम जमी कि नहीं। तो ये फॉइल पेपर है, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए आइसक्रीम कितनी अच्छे से जम गई है। तो अब सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, जो आइसक्रीम जमी हुई है उसको निकाल लेंगे, इसको डाल देंगे मिक्सी जार में। तो आप सोचेंगे मिक्सी के जार में क्या करना है, तो इसी से हमारी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी और वही टेस्ट आएगा जैसे मार्केट वाली आइसक्रीम में आता है। अगर आप ये स्टेप नहीं करते हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसे हमने दिखाया है वीडियो में आपको। तो ये स्टेप आप जरूर करिए, बहुत ही फ्लफी फ्लफी क्रीमी आइसक्रीम बनती है। तो देखिए मैंने सारी आइसक्रीम जार में डाल दी है, अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके 1 मिनट तक के लिए मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लेंगे। 1 मिनट हो चुका है मिक्सी में, मैंने आइसक्रीम को अच्छे से पीस लिया है। और पीसने के लिए आपको क्या करना है, आपको लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है, बस ऑन ऑफ करते हुए चलाना है, नहीं तो जितनी भी हीट होगी वो हमारी आइसक्रीम में अगर आ गई तो हमारी आइसक्रीम अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और फिर वो टेक्स्चर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे हल्के हल्के से ही चलाया है इसको,
ताकि आइसक्रीम पिस भी जाए अच्छे से और गर्म भी ना हो हमारा मिक्सी का जार। अब जो हम सेम जार लिया था इसमें हम सारा बैटर डाल देंगे। देखिए देखने में लग रहा है जैसे हमने फ्रेश क्रीम से बनाई है अपनी आइसक्रीम को। तो देखिए मैंने जार में आइसक्रीम डाल दी है। अब सबसे लास्ट में डाल देंगे थोड़े से चॉप्ड आमंड्स, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे अच्छा टेक्सचर और क्रंच आएगा, तो आप चाहें तो डालिए नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस अब हमारी रेडी है आइसक्रीम सेट करने के लिए। तो अब मैं इसके पे फिर से लगा दूंगी वही पेपर, फॉइल पेपर, ताकि जो आइस क्रिस्टल है वो बाहर ही रहे। और फॉइल पेपर लगाने के बाद में मैं इस पे लगा दूंगी इसका ढक्कन इस तरह से। अब इसको हम फ्रीजर में ओवरनाइट या 3 से 4 घंटे रख दीजिए, ये अच्छे से सेट हो जाएगी। इसके बाद हम इसको निकाल के सर्व करेंगे। 4 से 5 घंटे बाद मैंने आइसक्रीम को निकाल लिया फ्रीजर से। चलिए चेक कर लेते हैं, कवर को हटा देंगे। तो ये लीजिए हमारी वनीला आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है, मुझे छूने पे फील हो रहा है बहुत ही सॉफ्ट है। अब चलिए इसको सर्व करके दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनी है ये। तो एक स्कूप ले लेते हैं, उससे हम आपको दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है। तो देख सकते हैं कितनी स्मूथली हमारे स्कूप से आइसक्रीम निकल रही है। आई होप आपको ये वनीला आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे मैंने बिल्कुल इजी तरीके से सिंपल से दूध से बना के तैयार किया है बिल्कुल मार्केट स्टाइल, अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और इसी तरह से प्रियंका किचन जोन को देखते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।